हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो इन्होंने मंगवा ली है शूरेक, हमारे यहाँ दूसरी या तीसरी शूरेक आई है और इनने मंगवाई है, जो कि अभी हमने देखा है बहुत वायरल हो रही है, बहुत से लोगों ने मंगवाई है। तो इसकी कर रहे हैं ये अनपैकिंग, ज़्यादातर यही अनपैकिंग करते हैं क्योंकि इनको आती है हल्सी वीडियो बनाने में, तो यही करते हैं अनपैकिंग। और हम बैठे बैठे वीडियो बनाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या सामान इन्हें मंगवाया। और हाँ, इसकी लिंक हम कमेंट में पिंक कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। कनेक्टर है ये, कनेक्टर है ये, कनेक्टर अजीब टाइप के हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे कनेक्ट होंगे। ये हाँ, खोलने पे समझ में आ जाएगा कैसे कनेक्ट। अच्छा, ये ना निकालेंगे तो समझ में आएगा कैसे। तो ये है कनेक्टर, यहाँ से कनेक्ट होगा ये, इस तरीके का ये फिट करने का आया है हथौड़ी छोटी सी, ताकि आप अपने जोड़ के हथौड़े से मार के उसको तोड़ ना दें। ये सब छोटे छोटे कनेक्टर्स हैं, ये वो है उस टांगने के लिए छाता वाता बाहर की तरफ। इतने आइटम आए हैं और अब निकलेगा ये अंदर से। तो अब बॉक्स में से निकाल रहे हैं पैनल्स, और पैनल्स के अलावा अभी इसमें और कुछ बचा नहीं है। तो इसमें रेक्टेंगुलर पैनल्स हैं, स्क्वायर पैनल्स हैं और है डोर्स। ये है मैनुअल, तो देखिए आप अपना जो असेंबल करते हैं, इसके असेंबल ड्राइंग है। ये है स्क्वायर पैनल्स। स्क्वायर पैनल्स की इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर मंगाया है, वाइट कलर नहीं मंगवाया था कि गंदा ना हो, ठीक। तो ये स्क्वायर पैनल्स हैं, इसमें 9, ठीक, ये 9 है पूरे टोटल, ये काउंट कर रहे हैं। इसके बाद जो है ये है डोर, और डोर्स हैं इसमें 6, ठीक है, इसमें 6 डोर्स हैं। तो इसको भी हम रख देंगे साइड में। और अब आए हैं ये जो है रेक्टेंगुलर पैनल्स हैं, जो कि है 20, ठीक है। और ये एकदम प्लास्टिक का नहीं लग रहा था, ये थोड़ा सा अच्छा वाला रेगजीन टाइप लग रहा था। अब इसमें लिखा तो आया है कि प्लास्टिक का है ये, तो ये रेक्टेंगुलर पैनल्स को काउंट कर रहे हैं 20 है कि नहीं है। अब इसको करेंगे असेंबल। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर वाला पैनल लेंगे और उसमें कनेक्टर जो वो गोल वाले थे जो हमने आपको बताए थे वो वाले कनेक्ट करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कौन से वाले, ठीक है। ये वाले जो है इसे कनेक्ट करेंगे, इसकी सहायता से ही सारे पैनल्स जो है आपस में कनेक्ट होंगे। इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद पता चला कि गलत किया, तो फिर से खोलने के बाद दूसरे या तीसरे दिन हम इसको फिर से असेंबल कर रहे हैं। सबसे पहले दो पैनल्स को, रेक्टेंगुलर पैनल को हम कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम ये तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम लेंगे स्क्वायर पैनल्स और उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से लगाएंगे, जिसमें कि आई साइड में स्पेस दी गई है हुक लगाने के लिए, तो उसको हम इस तरीके से लगाएंगे। हुक जो है साइड में आए, ऊपर नीचे ना आ जाए, इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले लगाएंगे और पीछे का पैनल नहीं लगाएंगे। ये इससे पहले जब हमने असेंबल किया था तो पीछे का पैनल लगा लिया था, तो हुक नहीं लग रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीनों लगाने के बाद जो कि 9 है स्क्वायर पैनल से, वो 3 हमने लगा दिए। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे हुक्स, ठीक है, जो छोटे छोटे हुक्स दिए हैं, अभी हम आपको बताते हैं कौन से वाले हुक्स। ये हैं वो हुक्स, तो ये 18 हुक्स हैं, जो कि हम हर लेवल पे 3 6 6 लगाएंगे, ठीक है। 3 पीछे की तरफ और 3 आगे की तरफ। ये जो हम लगा रहे हैं ये पीछे की तरफ ही लगा दिए हमने, इसी तरीके से दोनों पैनल पे पीछे की तरफ लगाएंगे और फिर उसके बाद आगे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। और जब ये हुक लगता है तो एक आवाज़ आती है कि हाँ ये लॉक हो गया और अच्छे से लग गया है। इसको आप इस तरीके से, ये हिस्सा जो ये वाला, ये जो ओपन वाला, ये जो ओपन वाला हिस्सा दिख रहा है ये ऊपर की तरफ आएगा, मतलब यूं लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप लगा रहे हैं तो ये गलत है, ये दोनों हिस्से अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे और इसको लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, बस नीचे से इस तरीके से लगा देना है और लॉक की आवाज़ आनी चाहिए। तो ये हिस्सा इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आएगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से लगाना, ठीक है।
अब जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पैनल्स जो हैं, जो 20 हैं, उसे हम पीछे की तरफ लगाएंगे। इस तरीके से पीछे की तरफ लगा के कनेक्टर की सहायता से उसे अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे, और जो फ्लैट वाला सरफेस है वो आगे की तरफ रहे, पीछे की तरफ रहेगा, आगे की तरफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऊपर भी कनेक्टर लगा लेंगे और छियों कॉर्नर पे लगा के उसके ऊपर रेक्टेंगुलर पैनल फिक्स कर लेंगे, और हमने जो हथौड़ी मिली है उसकी सहायता से उसे अच्छे से फिक्स कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे फिक्स करते जा रहे हैं। हुक आप जब भी स्क्वायर पैनल लगाएंगे उसी वक्त आप हुक को लगा लें, नहीं तो आप बाद में लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले इनमें कनेक्ट पूरा कंप्लीट किया था, उसमें हुक्स हम लोगों ने सोचा था आखिरी में लगा देंगे, तो वो हो नहीं पाया, इसलिए वापस से उसे ओपन करके फिर वापस से हम फिर इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब ये वाला भी कंप्लीट कर लेंगे, इसे भी हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। याद रखिए कि जब भी हम कनेक्टर में पैनल्स को फिक्स करते हैं तो एक आवाज़ आती है जिससे वो लॉक हो जाता है, बस वो आवाज़ आनी चाहिए, मतलब आपका कनेक्टर और जो पैनल वो अच्छे से लॉक हो गया है। ठीक है, अभी हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। ये है हमारे स्क्वायर पैनल्स, जो कि हम पहले स्क्वायर पैनल्स लगाएंगे, उसके बाद पहले हुक लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे रेक्टेंगुलर पैनल्स। ठीक है, ये हम हुक लगा रहे हैं इस तरीके से। तो ये हुक को लगाते हुए आपको पास से भी बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से हुक लगाया, क्योंकि शुरू में हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हुक को लगाना कैसे है, फिर भी हमने फिक्स कर दिया था। उसके बाद जब अच्छे से एक दो बार निकाल के और लगा के देखा, जब समझ में आया कि लगाना कैसा है। और ये जो हुक है ये इस तरीके से अटक गया, इसमें ठीक है, इजी है, बस वो रखा इस पे इस तरीके से, ये तो हमने आपको हुक्स के ऊपर रेक्टेंगुलर पैनल्स भी लगा के बता दिया है। अब हम इसको कर लेंगे कंप्लीट फटाफट। तो इसको कंप्लीट करने में लगभग एक घंटा लग गया था हमको, क्योंकि हम अकेले कर रहे थे और इसको अच्छे से फिक्स करते जा रहे थे। ठीक है, और कनेक्टर का जो फेस फ्लैट सरफेस है वो आगे की तरफ होगा। ठीक है, आगे जो जहाँ पे हम डोर लगाएंगे वहाँ पे आगे की तरफ होगा, और पीछे की तरफ भी, दीवार से टच कर रहे हैं तो उसका जो सरफेस एकदम फ्लैट वाला वो दीवार की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमने इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा हो गया है, बस नीचे के पैनल्स लगाना बाकी है, ये नीचे के लग जाएंगे। इसके बाद अब ये जो हुक है ये डोर को लॉक करने के लिए है, जो कि हमने नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमको डोर को एकदम लॉक भी नहीं करना है, हम इसे लग भी नहीं रहे थे, शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाद समझ में आ गया था। ठीक है, ये लगा रहे हैं अब डोर को बस इस तरीके से ऊपर और नीचे हमको फंसा देना है और डोर लग जाएगा। ठीक है, और ये जो कनेक्टर है बीच में आपको सर्कल जैसा दिख रहा है ऊपर की तरफ, वहाँ पे वो हुक लगेंगे जिससे आपका डोर लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो हमने लगाया नहीं। तो ये हमारी शू रेक कैबिनेट जो भी आप बोल सकते हैं वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है, इसमें आप शूज़ रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ से ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें शूज़ रखें, हमने इसमें अभी फ़िलहाल में रख सकते हैं हमारे कपड़े वगैरह रख लिए हैं हमने, क्योंकि
इसको हम बाहर नहीं रख सकते। हाँ, इस कैबिनेट को आप बाहर नहीं रख सकते, इसमें ये हैंगर भी आया था जो आप साइड में टांग के आप इसमें छोटी मोटी चीज़ें टांग सकते हैं, ठीक है। इसको आप बाहर नहीं रख सकते हैं, धूप वगैरह से ये ख़राब हो जाएगी। हाँ, इसको आप घर में रख के इसमें शू वगैरह रख सकते हैं। अब हम माँ को इसको बाहर नहीं रखना, इसको घर में यूज़ किया है।